शुभ प्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में मैं पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कबीर जी का जो है यहां पर जीवन परिचय लिखा है, तो आज हम कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा लिखे गए कुछ दोहे जिनके बारे में हम जानेंगे। कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी प्रथम बार इस कक्षा में आए हों, एक सभी विद्यार्थी जो हैं वे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। एवं आप जो है स्नैप ऐप को भी डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसमें जो है अपने पेरेंट्स आईडी के द्वारा उसको ओपन करें, ताकि जो है आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उससे संबंधित संपूर्ण आपको पाठ्य सामग्री वहाँ पर उपलब्ध हो सके। आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उससे संबंधित PDF, वर्ड फाइल या आपका जो है गृह कार्य इत्यादि सभी चीज़ वहाँ पर अपलोड की जाती हैं, ताकि आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सके और उसको चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको वह कार्य लिखने में आसानी हो सके, उसको समझने में आसानी हो सके, किसी भी पढ़ाए गए विषय को आप पुनः पुनः बार बार पढ़ सकें। इसलिए आप स्नैप ऐप को भी जरूर इंस्टॉल करें और लॉगिन करें। उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई भी आपका जो है एक्स्ट्रा मतलब पैसे इत्यादि नहीं कटते हैं, तो इस प्लीज़ उसको ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले कबीर जी के जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, जो अति आवश्यक है। इसलिए जीवनी पर भी विशेष ध्यान दे के चलिएगा, क्योंकि ये आपके 10वीं क्लास में आपके जो है पाठ्यक्रम में जीवनी नहीं आती थी, परंतु 11वीं और 12वीं कक्षा में दोनों में सभी लेखकों की जीवनी भी आती है, इसलिए जीवनी को विशेष ध्यान दे करके चलिएगा। चलिए कबीर जी के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और कौन से सन में हुआ था? सन 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर एक जगह है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। इस प्रकार ये तकरीबन जो है 120 वर्ष जिए कबीर जी। और इनके जो है ये किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर जी ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्याग दिया। कबीर के ने जो है विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। विधिवत का तात्पर्य है मतलब कि सीक्वेंस, जैसे आप लोग करते हो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये सीक्वेंस है विधिवत विद्यालय में जा कर के। तो इन्होंने विद्यालय में जा कर के शिक्षा नहीं पाई थी और ये जो है शास्त्रीय ज्ञान के भी खिलाफ थे। इनका मानना आदि था कि जो है शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए एक जगह पर नहीं रुकते थे। इन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुया नहीं, कमल गई नहीं हाथ, यानी कि मैंने कभी कागज़ को नहीं छुआ और कलम जो है मेरे हाथ में नहीं आई, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे, इसीलिए उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। मतलब जो है वो जो है एक बहुत ही किसी भी विषय को लेकर उस पर जो है अपना तर्क रख सकते थे, और उनका जो है चिंतन, जो उनकी जो सोच थी वो उस विषय में बहुत गहरी सोच थी, कोई भी विषय हो वो। ये जो है निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान था। उनके काव्य में जो है धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है। मतलब किसी भी मतलब जो धर्म में जो बाह्य आडंबर, जो बाहरी दिखावटीपन जो अधिक होता था उस समय पे, उसका उन्होंने विरोध किया है अपनी काव्यों में। अपने जो है जो उन्होंने कविताएं लिखी, जो साखियां लिखी, साखी काव्य इत्यादि, उन सभी में जो क्या है उनका विरोध किया है, और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न किया है। यानी कि राम भी है और रहीम भी एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। उन्होंने जातिगत हीन भावना से परे होकर के लोगों को उस चीज़ के प्रति समझाया है कि धार्मिक पक्षपात नहीं करना चाहिए, उसका उन्होंने बार बार खंडन किया है। कबीर जी जो हैं वो हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यत्व को जगाने का प्रयत्न करते हैं। वे कहना चाहते हैं कि तुम मनुष्य हो और
जो है ये जाति इत्यादि जो होती है सब क्या है, ये सब मिथ्या है, झूठ है, सब हम मनुष्य है। जो हमारे अंदर रक्त बहता है, जो हम सांस लेते हैं, वह सभी एक है, अलग अलग नहीं है। वो किसी जाति धर्म इत्यादि को नहीं देखती हैं, वो सब में एक जैसा है। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध, इन सब की क्या है, अभिव्यक्ति है, ठीक है, इन सब की क्या है, स्वतंत्रता है पूरी। उनकी कविता अनुभव के, मैंने कहा ना अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं वो शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा। शास्त्रीय ज्ञान मतलब जो है हम जो पोथी पढ़ पढ़ जो पढ़ते हैं, मतलब किताबों से जो हमने ग्रहण किया है, तो अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण उनकी कविता जो है किसके बेस पर होती है, अनुभव के, यानी कि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, तो जो है उन्होंने वही चीज़ अपनी कविताओं में उतारी, और वो भी किस में, सहज एवं सरल भाषा में। उनकी भाषा किस प्रकार की थी, सहज सरल एवं पंचमेल, पंचमेल खिचड़ी की भाषा थी उनकी, पंचमेल खिचड़ी कह लो या फिर सुदुक्कड़ी कह लो, मतलब मिली जुली भाषा उनकी जो भाषा थी, वो कोई एक भाषा नहीं। उनकी कविताओं में आप देखोगे तो राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, आपका अवधि, भोजपुरी, ये सभी जो है क्या है उनकी कविताओं में देखने को प्राप्त होती है। कबीर की कविता की जो भाषा है वो जन जन की भाषा कहलाती है, यानी कि सभी की भाषा, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, जन भाषा, और जन जन की भाषा तो कहलाती है, साथ ही साथ जन भाषा की सहजता के साथ साथ उनके कविताओं में भाषा की गहराई भी झलकती है, सॉरी क्षम्यताम, भावों की गहराई, मतलब फीलिंग्स, ठीक है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त करने की कोशिश की गई है, बहुत ही आसान तरीके से उसको व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कबीर ने मूलतः जो काव्य ग्रंथ लिखे वो कौन से थे, साखी, सबद और रमेनी, ये प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। आगे जो है उसके बाद भी कबीर जो है पंथ में बीजक का महत्व है, विशेष महत्व है। बीजक भी इन्हीं की रचनाएं हैं, जो आप ये गहरे काले अक्षर वाले शब्द देख रहे हैं ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। कबीर ने कुछ अन्य रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। पाठ्य पुस्तक जो हम आज पढ़ेंगे इसमें कबीर के दो पद दिए गए हैं, कितने पद, दो पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबर और कुरीतियों की आलोचना की गई है, यानी कि जो उनके धर्म में फैली कुरीतियां हैं, जो बाह्य आडंबर है, उनकी क्या की गई है, आलोचना की गई है। आगे देखते हैं, ठीक है, और दूसरे पद में क्या किया गया है, दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री, यानी कि किसी के विरह में डूबी हुई स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी कि किसी की याद में डूबी हुई, किसी की जो है जैसे कि एक माता पुत्र का हो गया, या भी पति पत्नी का होता है विरह, यानी कि जब बिछुड़ जाते हैं तो जो विरह शरीर के अंदर हमारे उत्पन्न होता है, उस वैसी स्त्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, किसने, कबीर जी ने। और कहते हैं कि प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है, यानी कि प्रियतम रूपी परमात्मा जो है उनसे घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम, यानी कि पति पत्नी का प्रेम, दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद में केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीरवाणी में, कबीरवाणी से लिए गए हैं। चलिए अब जो है हमने जो है अभी क्या पढ़ा, हमने जो है कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि सभी को उनके जीवन से संबंधित बातें समझ में आई होगी कि उनका जन्म कब हुआ था, 1398 में काशी में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। वो 120 वर्ष तक जिए थे। उनकी भाषा कैसी है, सरल सहज एवं सुबोध भाषा है, जिसमें उन्होंने क्या पंचमेल खिचड़ी या फिर सुदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। क्यों इनको, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी एवं सुदुक्कड़ी भाषा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताओं में कहीं किसी भी एक भाषा का प्रयोग ना होकर बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जैसे अवधि,
भोजपुरी, राजस्थानी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, आपका पंजाबी इत्यादि, इसलिए जो है इनकी भाषा को शतोकड़ी भाषा कहा गया है। इन्होंने जो है शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा किस प्रकार के ज्ञान को अधिक महत्व दिया है, वो दिया है अनुभव रूपी ज्ञान को, यानी कि एक्सपीरियंस जो है उसको अधिक महत्व दिया है। और आज हम कबीर जी के जो हैं द्वारा रचित दो पद पढ़ेंगे। वे दो पद कहाँ से लिए गए हैं? वे पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। तो चलिए अब हम उनके उन दो पदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पद जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम पर करारी हिंदू मुस्लिम मुस्लिमों के द्वारा जो बाह्य आडंबर फैलाया गया है, जो बाहरी दिखावटीपन किया जाता है, उस पर करारी चोट करते हुए जो कवि कहते हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं हमने जान ली हैं कि वो भक्ति काल के निर्गुण कवि थे, काव्यधारा के आविर्भाव थे, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां जो है अपने चरम पर जब थी तब उन्होंने ये सब बातें कही थी, ताकि लोग जो है समाज में फैली कुरीतियों और आडंबरों को पहचान सके। ऐसी चीज़ों पर उन्होंने करारी चोट की थी। कबीर की रचनाओं में जो है किस प्रकार के भाषा का प्रयोग है, किस प्रकार की बोली का प्रयोग है, ये सभी आपको बता दिया। ये सब किसमें? ये सब कबीर की काव्यगत विशेषताएं हैं। किस प्रकार की विशेषताएं हैं? काव्यगत, यानी कि काव्य में आई हुई विशेषताएं, काव्यागत विशेषताएं। चलिए अब सबसे पहले हम इस पूर्ण पद को एक साथ पढ़ेंगे। अरे इन आप ध्यान से शब्दों को सुनिएगा तो आपको कुछ कुछ शब्दों के साथ में जो है इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। बाकी संपूर्ण हम समझाएंगे, परंतु जब कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप से उसको समझ सको। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, वैश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोया धोई धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन, बेठी घर भर करे बड़ाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा वे जाई। अंतिम पंक्ति का मतलब है कि कबीर जी कहते हैं भाई सुनो कि अब मैं कौन सी राह जाऊं, कि हिंदू अपनी बड़ाई करता है मुसलमान अपनी बड़ाई करता है, हिंदू अपने तर्क रखता है मुसलमान अपने तर्क रखता है, कौन रहा मैं जाई। अरे इन दोहनु राह न पाई। अब चलिए अब हमने जो मतलब जो है आपको जो है कुछ कुछ शब्दों के साथ में इसका लगभग लगभग समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो चलिए अब हम इसका पूर्ण अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रसंग के बारे में समझते हैं, किसका क्या प्रसंग है। जो प्रस्तुत पद है ये कबीर के बीजक संग्रह से उद्धृत है। कौन से संग्रह से? बीजक संग्रह से उद्धृत है। जैसे कि हम प्रसंग में जो है प्रसंग में संदर्भ के माध्यम से लिखते हैं ना शुरुआत में कि कहाँ से है, तो प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक से उद्धृत है। इसमें जो है कबीर जी हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त कर्मकांड एवं आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर जी कहते हैं कि ये दोनों अज्ञानतावश जो है बाह्य आडंबरों को वास्तविक धर्म मान बैठे हैं। जो बाह्य आडंबर हैं उनको क्या मान बैठे हैं? वास्तविक धर्म मान बैठे हैं। इन्हें धर्म के मर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है यह इनको नहीं पता है। उचित कर्मों से व्यक्ति एवं समाज का मार्गदर्शन करना, परंतु ये केवल दिखावा करते हैं। वास्तव में ये दोनों जो हैं जिनके बारे में कबीर जी कहते हैं हिंदू एवं मुसलमान, ये दोनों ही पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, यानी कि ये अपने मार्ग से जो है क्या हो चुके हैं, ये अपने मार्ग से विचलित हो चुके हैं। इनको अपने मार्ग का नहीं पता,
अरे इन दोहुन राह न पाई, इन दोनों को ही कोई राह नहीं मिल रही है। इन दोनों ये दोनों ही क्या हो चुके हैं, पथभ्रष्ट हो चुके हैं। इनका अज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। जो इनका ये अज्ञान है, जिसको ये अपना ज्ञान मानते हैं, वो क्या है, वो प्रभु की प्राप्ति में एक बाधक है, एक रुकावट है, जिसको ये जो है अपनी बड़ाई मानते हैं। तो इस प्रकार जो है ये क्या था, इस प्रकार ये कबीर जी के द्वारा रचित इस संपूर्ण दोहे का जो हमने बताया, ये एक प्रसंग था, यानी कि इसके माध्यम से कवि क्या बात कहना चाहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या को करेंगे, क्या करेंगे, इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या आपको समझाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो है आपको जब आप लिखित में इसको करोगे तो आपको प्रत्येक दोहे के साथ में उसका प्रसंग भी लिखना है, उसके नीचे उसकी व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या के नीचे जो है आपको विशेष लिखना है। विशेष के अंदर जो है आपने क्या लिखना होता है, विशेष के अंदर आपको जो है काव्य सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य लिखना होता है। क्या लिखना होता है, काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य आपको लिखना होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, वैश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई। हिंदुओं के विषय में कबीर का कहना है कि ये वर्ण भेद में विश्वास करते हैं, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि। हिंदू करे अपनी बड़ाई, गागर न छुवन देई, ये जो है क्या करते हैं, वर्ण भेद में विश्वास करते हैं, ऊंचे वर्ग में नीचे वर्ग में इस प्रकार के जो है व्यक्ति को जो है ये अस्पृश्य मानते हैं, यानी कि जो है एक दूसरे को जो है ऊंचा नीचे समझते हैं कि ये तो सफाई करने वाला है, इसको जो है गागर छुवन नहीं दे, मतलब जो अपने बर्तन को है छूने नहीं देते हैं, अपने पात्रों को बर्तनों को छूने नहीं देते, परंतु स्वयं वैश्या गमन जैसे निम्न कर्म में लिप्त रहते हैं। वैश्या के पायन तरसोवे, यानी कि जो वैश्या होती है ये स्वयं उसके पाँव में पड़े रहते हैं, ठीक है, उसके पाँव में, यानी कि वो भी तो एक बहुत ही निम्न कर्म है, ठीक है। वैश्या जैसे वैश्यालय जैसी जगहों में ये अपने कर्म में लिप्त हैं। तात्पर्य यह है कि हीन कर्मों में लीन है, जो गलत कर्म है, जो उचित नहीं है हकीकत में, उन कर्मों में लिप्त हैं, और दूसरों को जो नीच जाति वाले कह करके उनको अपने बर्तनों को छूने नहीं देते हैं। पायन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई, केवल श्रेष्ठ होना ही दिखावा नहीं करते, श्रेष्ठ होने का दिखावा करते हैं, तो ये देख लो, ये है हिंदुओं की हिंदू आई। अब बात करते हैं मुसलमानों की, तो मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरे बेटी ब्याहे घरे में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेठ जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। मुसलमान की दशा भी इनसे कुछ अलग नहीं है, उनकी दशा भी बिल्कुल इनके जैसी है। अब जैसे इसमें कहा गया है कि यानी कि ये दिखावा करते हैं कि पीर ओलिया बनकर मोह माया से दूर है, यानी कि जो है इनको किसी प्रकार का किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। पीर ओलिया जो है मुसलमानों के जो पीर होते हैं, जो ओलिया होते हैं, मतलब जो है इनको अपने धर्म इत्यादि के बारे में समझाने वाले, बताने वाले, लोगों को नमाज पढ़वाने वाले और अपनी भाषण इत्यादि देने वाले जो ये होते हैं, ये क्या, ये लोगों को बता लोगों को दिखावट दिखाते हैं कि वे जो है इस सब मोह माया से दूर है, उनको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है। दूसरी ओर अपनी रसना के आगे विवश हैं, यानी कि अपनी जीभ के आगे विवश हैं, नहीं रहा जाता इनसे, ये जो है खुद एक जीव होकर के दूसरे जीव को खाने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, मुर्गा मुर्गी खाई उन सबको खाते हैं, केवल स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, किसके लिए, स्वाद स्वाद के लिए जीव हत्या करते हैं। जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं, आप स्वयं सोच सकते हो, जो व्यक्ति जीव हिंसा करता है वह खुदा का बंदा अपने आप को कैसे कह सकता है। खाला केरी बेटी ब्याहे गृह में करे सगाई, यानी कि जो है ये समाज में जो है किस प्रकार की जो है, मतलब एक तो आप अपनी मौसी की बेटी कहते हैं खाला केरी बेटी ब्याहे, खाला के यहाँ पर क्या करते हो, करते हैं, बेटी को ब्याहते हैं,
घर ही में कर, अपने ही घर में, स्वयं के घर में, जहां उनका अपना स्वयं का खून है, वहां पर ये क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और अपने आप को जो क्या कहते हैं ये, अपने आप को ये सभी हिंदू हो या मुसलमान, अपने आप को उच्च वर्ग का एकदम शुद्ध एवं अपने आप को दोनों वे शुद्ध पंडित या शुद्ध मीर पीरोलिया अपने आप को बताते हैं। समाज की नीतियों के प्रतिकूल, ठीक है, समाज की जो नीतियां हैं उनके प्रतिकूल रक्त संबंध में विवाह करते हैं, यानी कि खुद के स्वयं के रक्त संबंध में कैसे विवाह कर हो सकता है, फिर भी ये दोनों जो है अपने आप में रक्त संबंध में विवाह करते हैं। दोनों ही सत्य की राह से भटके हुए हैं अगर देखा जाए तो। दोनों ही क्या हो चुके हैं, सत्य की राह से भटक चुके हैं। इस प्रकार इन दोनों को ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, हिंदुओं की हिंदुआई। और अंत में कबीर जी कहते हैं, मैंने हिंदुओं की हिंदुआई देखी है और तुर्कन की तुर्काई, यानी कि मुसलमानों की मुसलमानाई, यानी तुर्कन की तुर्काई, तुर्क से आए हुए हैं इसलिए कबीर जी जो है इनको तुर्की कहते थे। तो तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ठीक है, कौन रहा भे जाई, यानी कबीर जी कहते हैं कि हे भाई इनको कोई समझाओ कि कौन सी राह उचित है और कौन सी राह अनुचित है। कबीर कहते हैं कि जो है इनके लिए कोई एक राह साधो कि किस राह पे जाना चाहिए, कौन राह वे जाई। इस प्रकार हमने जो है प्रथम पद का अर्थ जाना, प्रथम पद के बारे में जाना कि इस पद के माध्यम से कबीर जी ने किस प्रकार हिंदू एवं मुसलमान दोनों के अंदर जो कुरीतियां भरी हुई हैं उनको उजागर करते हुए, उनके ऊपर करारी चोट करते हुए लोगों को यह बात समझाने की कोशिश की है कि दोनों में ही बाह्य आडंबर भरा हुआ है। तो इन जो बाह्य आडंबर है, जो फालतू की चीजें हैं, हमें इनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो जो है कवि ने इस प्रकार की बात, इस प्रकार से जो है हमें बाह्य आडंबरों के मा में बाह्य आडंबरों आडंबर जो फैला है समाज में या फैला था उस समय पे, उनके बारे में हमें ज्ञान प्रदान किया है। चलिए अब हम अगले पद के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे पद्य में कबीर जी जो हैं अपने आप को स्वयं को क्या बताते हैं, कबीर जी अपने आप को स्वयं को यहां पर किसके बारे में बताते हैं, यानी कि स्त्री के रूप में, कौन कैसे और वो भी किस प्रकार की स्त्री के रूप में, विरहिणी स्त्री के रूप में, यानी कि जो विरह में स्त्री है और जो अपने प्रियतम रूपी परमात्मा को अपने पास बुलाने के निवेदन कर रही है, इस प्रकार की स्त्री के बारे में यहाँ पर बात कही गई है जो कबीर जी बने हुए हैं। इससे पहले वाले पद्य में हमने जो है काव्यगत विशेषताओं के बारे में नहीं बताया, मैं आपको एक बार उसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो है आपके भाव पक्ष में जो हम बात कर सकते हैं, तो हिंदू मुसलमान दोनों के आडंबरों पर तीखा प्रहार किया गया है कबीर जी के द्वारा। दूसरा, आडंबरों को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक बना बताया गया है। तीसरा, कबीर का समाज सुधारक रूप द्रष्टव्य हमारे सम्मुख आया है। और जो है कला पक्ष में हम कह सकते हैं इनमें सुदृढ़ भाषा में भावों की सहज सरल अभिव्यक्ति है। नंबर 2, शब्द चयन भावपूर्ण एवं जो है भावपूर्ण एवं भावों के अनुकूल है। नंबर 3, सह सखियां और जी आपका एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए सह सखियां लिखा है नीचे से तीसरी लाइन में, सह सखियां कहे कबीर जैसे शब्दों में क्या है, अनुप्रास अलंकार का है, गे पद शैली है, मुक्तक शैली है, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब विशेष में आ जाते हैं, किस में, विशेष में। चलिए अब हम इसके दूसरे पद्य को पढ़ते हैं। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कहो सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल में नहीं लगाया, सॉरी क्षम्यताम, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बिन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे,
है कोई ऐसा पर उपकारी, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे, बिन देखे जीव जाए रे। अब प्रस्तुत पद्य का हम सर्वप्रथम प्रसंग देखते हैं। इस प्रसंग में कबीर जी जो हैं, प्रसंग की शुरुआत वैसे ही करेंगे जिस भी हम प्रसंग की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। प्रस्तुत पद्यांश समारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक से उद्धृत है। इसमें जो है, और इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश समारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक में कबीर जी द्वारा रचित कबीर के पद, यानी कि कबीर के पद या फिर जो है प्रस्तुत पद जो है कबीर जी के प्रस्तुत पद बीजक संग्रह से उद्धृत है। यहाँ कबीर का भक्त रूप जो है दिखाई देता है। इस पद में कबीर ने स्वयं को पत्नी को परमात्मा को पति मानकर, जो है पत्नी और परमात्मा को पति मानकर, अपने आप को क्या माना? पत्नी। और पति किसको माना? परमात्मा को। तो प्रियतम रूपी परमात्मा को पति मानकर, ठीक है, परमात्मा रूपी पति से वियुक्त जीवात्मा की विरह अवस्था का वर्णन किया है। किसका? विरह अवस्था का वर्णन किया है, यह विरह अवस्था का चित्रण किया गया है। अब प्रस्तुत पद्य का हम क्या पढ़ेंगे, हम इसकी व्याख्या को देखते हैं कि किस प्रकार जो है कबीर जी इसकी व्याख्या करते हैं। बालम आओ हमारे गहरे, ठीक है, यानी कि जो प्रियतम रूपी परमात्मा को कवि अपने कहाँ बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं। तुम बिन दुखिया देहरे, कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तुम्हारे बिना क्या है, दुखी है, इसमें कोई भी रस नहीं है, ये एकदम बिल्कुल एकदम नीरस हो चुका है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, हर कोई मुझे तुम्हारी नारी कहता है, क्योंकि जब वो प्रियतम रूपी परमात्मा को अपना पति मानते हैं तो जो है सब उनको क्या कहते हैं कि तुम तो परमात्मा की पत्नी हो, तुम्हारी नारी कहते हैं। तो मोको लागत लाज रे, यानी कबीर कहते हैं कि मुझको लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है, लाज आती है जब लोग मुझे ये बात कहते हैं। लज्जा क्यों आती है जब तुम खुद पति मानते हो भाई? अब वो इसलिए आती है, दिल से नहीं लगाया, यानी कि कभी आपने मुझे अपने दिल से नहीं लगाया है इसलिए, ठीक है, तब लग कैसा स्नेह रे, ठीक है, इसलिए कैसा स्नेह, किस प्रकार का स्नेह, आपने मुझे कभी अपने दिल से नहीं लगाया है, ठीक है, तब कैसा स्नेह रे। सभी समझ में आ रहा होगा, अगर आप कुछ भी समझ में ना आए तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अन्न न भावे नींद ना आवे, इस अवस्था में इस स्थिति में परमात्मा से मिलन न हो पाने के कारण कबीर को जो है क्या, एक वियोगिनी स्त्री की भांति अन्न नहीं अच्छा लगता, नींद नहीं आती है रातों को, ठीक है। निर्गुण मार्गी संत जो है कबीर जी, ठीक है, कवियों ने साधक को नायिका और परमात्मा को नायक के रूप में बताया है। किसके रूप में? साधक कौन? कबीर जी। उनको किसके रूप में बताया है? नायिका के रूप में। यानी कि जिस प्रकार से किसी भी मूवी का कोई एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, तो ये जो है अभिनेता है, और वो अभिनेत्री हैं ये, और अभिनेता कौन? प्रियतम रूपी परमात्मा। तो परमात्मा को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पर कबीर जी आगे कहते हैं कि कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, यानी कि जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को पानी जो है मृत्यु से भी प्यारा लगता है, उसी प्रकार से एक जो है कामिन को, यानी कि विरह रूपी जो व्यक्ति होता है उसको अपना जो है बालम सबसे प्यारा लगता है, एक पत्नी को अपना पति जो है सबसे अधिक प्यारा लगता है, ठीक है। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, यानी कि कोई ऐसा पर उपकारी है जो मेरी इस प्यास को बुझा सके, जो मेरे इस संदेश को प्रभु तक पहुंचा सके, जो मेरी इस अवस्था को उनको बता सके, जो मेरे इस विरह का गुण गा सके। है कोई ऐसा पर उपकारी है जो मेरी इस विरह अवस्था को जो है शांत कर सके, जो मेरे प्रभु को मेरी इस दशा के बारे में बता सके।
तो कबीर जी कहते हैं कि अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। अब जो ये शरीर है ये बेहाल हो चुका है, अब जो है प्रभु को, हे प्रभु आपको बिना देखे जिया नहीं जाता है, आपको देखे बिना सांसें नहीं चलती हैं, वे थमने को हो जाती हैं। इस प्रकार जो है कबीर जी अपनी विरह अवस्था का वर्णन करते हैं, विरहिणी स्त्री के रूप में जो है यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से। बहुत सुंदर पद्य है जो प्रभु को याद किया है कबीर जी ने यहाँ पर, जिस माध्यम से उम्मीद है सभी को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि जो है विरहिणी स्त्री के रूप में कबीर जी ने प्रभु को प्रियतम रूपी परमात्मा मानते हुए जो ये पद्य लिखा है, बहुत सुंदर पद्य है। इस पद्य की जो है काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो हम उसमें भाव पक्ष में कबीर का भक्ति रूप हमें देखने को मिलता है। ज्ञान चक्षु खुलने पर अगर हम बात करें तो साधक ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आतुर हो उठा है। भक्ति रस का इसमें प्रयोग किया गया है। कला पक्ष की बात करें हम तो जो है भाषा सुदुखड़ी है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है। दुखिया देहे कोई कहे जीव जाए आदि में अनुप्राश अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर पुनः पुनः वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो जहाँ जहाँ पुनः पुनः वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्राश अलंकार का प्रयोग करता है। कामिन को है बालम प्यारा प्या जो प्यासे को नीर रे, इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। लय एवं तुक बद्ध शैली का प्रयोग किया गया है, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने जो है कबीर जी के द्वारा रचित बीजक संग्रह से लिए गए दो पदों के बारे में पढ़ा, जिनका अर्थ बहुत ही सुंदर एवं मतलब जो है ज्ञान प्रदान करने वाला था। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को यह समझ में आ गया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो वह अपने संदेह को क्लियर कर सकता है, स्पष्ट कर सकता है, पूछ सकता है, और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अब हम अगली कक्षा में, अब आप सभी विद्यार्थियों ने सुन लिया है, अब इससे संबंधित जो है सॉफ्ट कॉपी जो है वो स्नैप ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, और कोशिश करूँगा कि मैं जो है आपको इससे की व्याख्या के साथ में आपको इसकी व्याख्या भी अपलोड कर दूं। अगर वहाँ पर अपलोड नहीं होती है तो आप इसको सुन करके अच्छे से आप अपने आप से भी इसका जो है सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि प्रसंग के साथ में व्याख्या एवं अंत में विशेष अवश्य लिखना है। विशेष यानी कि जो है काव्यगत विशेषताएं, उस काव्य की विशेषताएं जो हैं, जैसे कि किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार के अलंकार है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, क्या कहना चाहते हैं कवि, उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सभी विशेष के अंदर आता है, ये कह लीजिए कि काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद है सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई संदेह है तो वह पुनः मैं निवेदन करता हूँ क्लियर कर सकता है, और सभी से एक बार फिर मैं निवेदन करता हूँ कि सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें, साथ ही साथ नियमित एवं निश्चित दूरी को बनाए रखें। आज की कक्षा में आने के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।